रेडी? फीवर ठीक है ना अभी? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ। तो जी, 7 बज चुके हैं, थर्सडे है और आज जा रहे हैं हम लोग एयरपोर्ट। 7 बजे 11:45 की हमारी फ़्लाइट है, उससे कई घंटे पहले चले जाते हैं क्योंकि एक बार प्लेन मिस हो चुका है हमारा। तो यहाँ पर नवाज़ ने रास्ते में इतनी ज़्यादा उल्टियाँ की, इतनी उल्टियाँ की, फिर गाड़ी रुकवा रुकवा के उसको उल्टियाँ करानी पड़ी। तबीयत उल्टी के बहुत बारे में ख़राब हो सोचो गई ही थी मत, उसकी। ठीक है? आज मैंने ये वाला ड्रेस पहन लिया जो मैंने स्टिच किया था नेट लगा के, और वाइट एंड ब्लैक में बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके ऊपर मैंने एक ब्लेज़र डाल दिया था। तो जी, यहाँ पर हम लोग एयरपोर्ट पहुँचने ही वाले हैं। हाँ भैया, अंदर यहाँ पर रुके थे हम लोग धोला कुआ के पास। एक पराठा लिया मैंने बिना घी वाला, ताकि सोचा कि नवाज़ को खिला दूंगी, पर नवाज़ तो खा ही नहीं पाया। उसकी तबीयत ही ख़राब हो गई थी, उल्टी कर देगा बोल के मैंने भी उसको ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं की और पानी पिला पिला। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे, और यहाँ बाहर से किसी भी गेट के अंदर जा सकते हैं हम लोग। अगर आपने वेब चेकिंग नहीं कराई तो फिर करवा लें घर में ही पहले ही। मैंने एक दिन पहले वेब चेकिंग करा ली थी, इसीलिए मैं डायरेक्ट के अंदर चली गई। किसी भी गेट से अंदर जा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लाइन लगाई है अपना लगेज चेक इन कराने के लिए। लगेज यहाँ पर जमा करा दिया था हमने, फिर चले गए गेट नंबर 20 की तरफ, जहाँ से हमारी फ़्लाइट को उड़ान भरनी थी। तो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं गेट नंबर 20 की तरफ, और नवाज़ ने ट्रॉली मुझे पकड़ा दी क्योंकि उसका मन नहीं कर रहा था आज, नहीं तो वो दो दो ट्रॉली एक साथ ही पकड़ लेता है। ये देखो बेचारा लाचार होकर पड़ा हुआ है एकदम। तो यहाँ पर हमें 1.5 घंटा और बचा हुआ था, 1.5 घंटा हमने यहीं बैठे बैठे वेट किया, और जब अनाउंसमेंट हुई तो फिर हम लोग निकल गए, गेट नंबर 20 की तरफ चले गए और बस एंटर कर लिया प्लेन। यहाँ पर टर्मिनल में बैठे हुए मेकअप कर लिया। चिप्स खा के उल्टी नहीं हो? हाँ, सोच ले, बिस्किट खा ले, पहले बिस्किट खा के पेट भर लेगा। मॉम्स बिस्किट खा, बिस्किट ले। तबीयत कैसी लग रही है? सही है ना? एकदम थोड़ा 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 सा खाओ, ज़्यादा खाएगा ना फिर क्या पता उल्टी हो जाए। हाँ, फ्रेंड्स, हम तैयार हैं बोर्डिंग के लिए। ये देखिए बस आ गया है, ये बस पहुँचा देगी हमें फ्लाइट तक। फ्रेंड्स, प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया था और उसके बाद हमारे लिए खाना आ गया था। कशिश को मैगी खानी थी, मैगी मंगवाई उसने, मैं और नवाज़ ने दाल चावल खाया, और साथ में जूस भी था और चाय भी दिया इन्होंने। ये कम्प्लीमेंट्री मील था, मैंने टिकट के साथ मुझे मिला था, और इतनी टेस्टी थी ना खिचड़ी, बहुत टेस्टी थी। मुझे खाई ना, नवाज़ वाला भी मैंने थोड़ा सा खाया, अपने वाला तो खा ही लिया। मेरे अचानक से फ़्लाइट में भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो और कशिश ने मैगी नहीं खाया, कह रही थी मैगी बेकार है।
तो ये रहा चाय। चाय भी इतनी टेस्टी बनाई थी ना, इलायची वगैरह डाल के। तो मैंने चाय भी ले ली और साथ में दाल चावल भी था गरम गरम, तो सब खा लिया। खांसी थी तो ठीक हो गया। और नवाज़ ने थोड़ा बहुत खाया दाल चावल, फिर ज़्यादा नहीं खा पाया उसने। ये देखिए कितना देखने में इतना टेस्टी लग रहा है ना, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो जी यहीं पे मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। इजाज़त दीजिए मुझे, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और दुआओं में मुझे याद रखिए। जो जो नए हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और हाँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाय।